हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस सीरीज में हम गणित के यानी कि मैथ के वही क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो कि रेलवे के ग्रुप डी परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। और इस सीरीज में मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, वही यहां पर डिस्कस किए जाएं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां पर सॉल्व करवाऊंगा। जिस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करना चाहिए हम उसे बेसिक तरीके से करेंगे, और जहां तक संभव होगा कोई इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक जो कि आपको एग्जाम तक याद रहे, तो हम उस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रेलगाड़ी से, और क्वेश्चन कह रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की कितनी लंबाई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल जब भी आपको एग्जाम में पूछे और यहाँ आपसे कहे कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई ट्रेन पुल, सुरंग या फिर प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की और पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो, इनकी लंबाइयां आपस में जुड़ जाती हैं। याद रखिएगा, इनकी लंबाइयां आपस में जुड़ जाती हैं। याद रखिएगा, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये सभी चीजें क्षैतिज हैं। तो याद रखना। अब हम आगे सवाल को देखते हैं। यहां आपसे कह रहा है ट्रेन की लंबाई निकालनी है आपको, और ट्रेन की आपको चाल दे रखी है। तो ट्रेन की चाल कितनी दी है आपको? ट्रेन की चाल दी है आपको 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो समय कितना दे रखा है? 33 सेकंड। ठीक है दोस्तों, और पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई है 465 मीटर। तो मैंने आपसे क्या कहा, ट्रेन और पुल की लंबाई जुड़ जाएगी, तो कुल लंबाई कितनी होगी? कुल लंबाई होगी 465, और ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी है, तो ट्रेन की लंबाई हम मान लेंगे दोस्तों x। तो यहां देखिए कुल लंबाई कितनी हो गई? कुल लंबाई हो गई पुल की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएंगी, पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएंगी। अब हम इसे एक फॉर्मूला लगाएंगे, कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों, सारे ही फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। देखिए, जैसे कि मैं यहां लगा देता हूं, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप चाहे तो समय बराबर लगा सकते हैं, दूरी बराबर लगा सकते हैं, यहां मैं लगा रहा हूं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए चाल कितनी है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और दूरी कितनी है? 465 प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों, और समय है 33 सेकंड। देखिए ये मीटर में है, ये सेकंड में है, लेकिन चाल आपको देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो हम इसमें गुणा करेंगे 5/18 से। तो हम गुणा कर देंगे यहां 5/18 से। देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 6 के पहाड़े से 3 बार 6 के पहाड़े से 11 बार, ये कट जाएगा 11 बार। क्रॉस गुणा करेंगे हम, 11 का 11 में गुणा करेंगे 121, 121 का गुणा करेंगे 5 में, तो ये हो जाएगा आपका 605, बराबर में आएगा 465 प्लस एक्स। इस वैल्यू को उठाकर हम बराबर किस तरफ ले जाएंगे, 605 माइनस 465 बराबर एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 140, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। इस सवाल को आप दोबारा से देख सकते हैं।
सवाल नंबर दो देखते हैं दोस्तों, सागर ब्याज का सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने वर्षों में 10% वार्षिक सागर ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार के सवाल को हम बेसिक से भी कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी बता दूंगा। देखिए सवाल में कह रहा है कितने वर्षों में, वो आपसे समय पूछ रहा है, कितने वर्षों में 10% वार्षिक दर से, यानी कि दर दे रखी है आपको 10% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी। तो मैं मूलधन मान लेता हूं 100 रुपए, मूलधन मान लेता हूं 100 रुपए, ये 100 से कितनी हो जाएगी दुगनी, यानी कि 200। तो यहां आपका साधारण ब्याज निकल कर कितना आ रहा है, तो साधारण ब्याज आपको दिखाई दे रहा है कितना 100 रुपए, कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी। मैं 100 मानता हूं, 100 से कितने कर रहा हूं दुगनी, तो साधारण ब्याज कितना निकल कर आएगा 100 रुपए। तो सिंपल सा इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं SI का, SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100, जो कि आपका साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। SI कितना आपका 100, P कितना माना हमने 100, R कितनी दे रखी है 10 और T आपको निकालना है बाई 100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो समय कितना आ गया आपका 10 वर्ष। और यदि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखाई दे तो आप एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, समय जब भी निकालना हो तो समय निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n गुना -1 अपॉन r इंटू 100। तो देखिए n गुना, यहां कितना गुना हो रही है राशि, दो गुनी हो रही है, तो 2 - 1 और दर कितनी दे रखी है 10% इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, ये दोस्तों 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और इंटू 10 तो कितना आएगा 10 वर्ष। इस सवाल को आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, आंसर आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 14 मीटर के व्यास वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। दोस्तों क्षेत्रफल का सवाल है और इजी क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के पूछे भी जाते हैं, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा इनके फॉर्मूले। तो मैं आपको एक बार फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूं, याद रखिएगा वृत्त, यहां वृत्त की बात हो रही है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि, परिधि कह दे या फिर आपसे परिमाप कह दे तो वो होता है 2πr, और वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या का दुगना, यानी कि आप कह सकते हैं 2r। यहां देखिए ये मैं आपके सामने एक वृत्त बनाता हूं और कह रहा है 14 मीटर व्यास वाले, ये त्रिज्या है और त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो ये पूरा हो गया व्यास और ये कितना दे रखा है आपको 14 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या व्यास की हमेशा आधी होती है, याद रखिएगा त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी निकल कर आ गई 7 मीटर। अब आपसे पूछा गया है वृत्त का परिमाप क्या होगा, वृत्त का परिमाप आपसे वृत्त का परिमाप कहे या परिधि कहे, एक ही है, तो यहां हम लगाएंगे वृत्त का परिमाप या परिधि, उसका फॉर्मूला क्या है 2πr, 2πr, 2π का मान होता है 22/7 और r का मान कितना है 7, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए। और याद रखिएगा यदि आपको इसी सवाल में एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो अभी आप बता सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप वृत्त का क्षेत्रफल भी बता सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कितना होगा, पाई का मान 22/7, आर का मतलब त्रिज्या, इसको 2 बार लिख दीजिए, आर स्क्वायर 7 से 7 कट गया, 7 का गुणा 22 में करेंगे तो ये आएगा 154 मीटर। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, समयकार का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ग्रुप डी के लिए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम कर एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बनाएंगे। दोस्तों इस प्रकार का सवाल यदि आपको एग्जाम में दिखाई दे तो हम इसके लिए सबसे इजी मेथड यूज करते हैं जो कि है MDH, मनुष्य दिन घंटे बटे काम, मैन डे आवर बाय वर्क, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 भी लेंगे हम MDH बटे W, ये कंडीशन 1 के लिए, ये कंडीशन 2 के लिए। तो देखो यहां आपसे कह रहा है
यदि 15 आदमी, तो 15 आदमी नहीं, पहली कंडीशन में 15 आदमी 8 घंटे काम करते हैं तो आवर में रख देंगे हम। तो एक दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं, दिन कितने हैं 10 दिन, काम है आपका एक दीवार बनाना, तो हम इसको एक लिख सकते हैं काम की जगह, एक दीवार बना रहे हैं बराबर में उसने कहा है, तो केवल 8 आदमी, आदमी की जगह रखेंगे हम, कितने घंटे काम करके, हमें घंटे निकालने हैं तो घंटे हम मान लेते हैं एक्स, उसी दीवार को यानी कि वही काम है जो हमसे पहले कहा था उसने एक दीवार बनाने वाला, 10 दिन में बना देंगे, कितने दिन में 10 दिन में। इसको हम सॉल्व करते हैं, 10 से 10 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो ये आपका निकल कर आया x की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, कितने घंटे प्रतिदिन काम करें यानी कि 15 घंटे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आयु से है। क्वेश्चन कह रहा है रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है, अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा, तो रश्मि की वर्तमान आयु बताइए। देखिए दोस्तों इजी क्वेश्चन है, इसे हम आराम से देखेंगे तो ये यदि हम इसकी लैंग्वेज पकड़ेंगे तो ये हमें बहुत इजी दिखाई देगा। देखिए रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 7:4, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:4, ये है दोस्तों वर्तमान का यानी कि प्रेजेंट का। आपसे कह रहा है अब से यानी कि वर्तमान से 3 साल बाद, 3 साल बाद, तो हम इसमें 3 जोड़ देंगे 3 साल बाद, तो ये हो गया इसका 3 साल बाद का अनुपात, 3 साल बाद, तो ये 3 साल बाद का अनुपात हो गया। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा, यानी कि ये जो अनुपात है ये 8:5 के बराबर होगा, तो हम इसे बराबर कर देंगे 7x3 4x+3, इस अनुपात को हम बराबर कर देंगे 8:5 के। सॉल्व करते हैं इसे, क्रॉस गुणा करेंगे, 7×5=35, 5×3=15, 4×8=32 और 8×3=24। एक्स वैल्यू को हम एक तरफ ले जाएंगे, 35x-32x, ये 15 यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 24-15 घटाएंगे तो ये आएगा 3x और ये कितना आ गया 9। कैंसिल करते हैं दोस्तों, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 3। अब आपसे क्या पूछ रहा है, रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है, तो देखिए रश्मि ये रही और ये है इसकी वर्तमान आयु यानी कि 4x, तो हमको केवल 4x में x का मान रखना है, x का मान कितना है 3, यहाँ 3 रखेंगे तो 3×4 कितना हो जाएगा 12, तो रश्मि की वर्तमान आयु है ऑप्शन ए यानी कि 12। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।